हेलो एवरीबॉडी, आज हम देखने वाले हैं हाउ वी कैन यूज़ इजीली अवेलेबल मटेरियल्स एट होम टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल होम डेकोर एंड वी विल बी क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल एलिफेंट स्ट्रक्चर। सो आपके घर में ऐसा कोई पुराना बॉटल होगा विद अ हैंडल, सो यूज़ दैट एंड ट्रेस आउट द लेग एंड द बॉडी ऑफ द एलिफेंट लाइक दिस। एंड वो जो आप बॉटल का माउथ देख रहे हैं वो काटना पड़ेगा। अभी यूजिंग फैट थ्रेड और मोटा धागा जिसे बोलते हैं वो यूज करके वी विल गिव अ डायमेंशन टू द एलिफेंट्स बॉडी। ऐसे पीस काट काट के वी विल कवर द एंटायर थिंग। नॉर्मल पेपर से ईयर्स बना लेंगे। एंड अभी ऐसा पूरा थ्रेड फेविकॉल से लगा के वी कवर द एंटायर बॉडी। Now using a much thinner thread, we will create a design or cloth-like effect on top of the elephant. So elephants ke jo ek bada sa chadar hota hai, we are creating that. Now, I'm sure you will have flour at home. Aata, maida, jo bhi chahiye. So mix the flour with fevicol to create a dough-like structure. Now you can use the dough to create any sort of ornament that you want. It will harden very fast and aap jaise chahiye design bana sakte ho uspe. So as you can see, hum ek toothpick use karke we are creating designs. लीजिए तो डिजाइनिंग हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। नाउ इट्स टाइम टू कलर इट। सो हम फर्स्ट एक पूरा ब्लैक बेस देंगे। यू कैन यूज एक्रेलिक कलर्स, दैट विल बी मच बेटर। सो अ ब्लैक बेस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी विल कलर द ऑर्नामेंट्स गोल्डन। ये देखिए गोल्डन कलर हो गया। नाउ द एलिफेंट्स बॉडी विल बी ब्राउन इन कलर सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेस एंड द एलिफेंट्स बॉडी। Now using tightly rolled old newspaper or normal paper, you can create a bamboo-like structure for the base of the elephant. Bahut tightly roll karke simply stick it. Now we'll color it with yellow, ochre and dark olive green to make it look like bamboo. लीजिए, वी हैव ऑलमोस्ट क्रिएटेड अ बैम्बू लाइक इफेक्ट एंड एक पेपर देके वी हैव कवर्ड द बेस विद अ पेपर एंड ये पेपर को हम डार्क ग्रीन ब्लैक शेड कर देंगे। नाउ यूजिंग कार्डबोर्ड एंड नॉर्मल पेपर वी विल क्रिएट अ बास्केट, अ वुडन बास्केट एंड कलर इट यूजिंग डार्क ब्राउन, येलो एंड लिटिल शेड्स ऑफ ब्लैक so as to give that wooden effect. Abhi ye basket ban gaya and we place some tissue paper, flowers and paper leaves and we have made our home decor. I hope you all liked it. Bye bye.